माने रहे, मैं टूरिज़म खसूसन डिपार्टमेंट का और खसूसन TDCP का मैं बेहद मशहूर हूँ कि छठी जो थल जीप रैली है उसका कामयाब इनेकाद और उसमें खसूसन जो मावनत रही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, DC मुजफ्फरगढ़ की, DC लैया की और पूरी इंतज़ामिया की जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और खसूसन ये एक मैसेज दिया, एक सॉफ्ट मैसेज दिया दुनिया में कि जिस तरह हमारी बच्चियों ने, ख्वातीन ने इस थल के रेगिस्तान में गाड़ी दौड़ा के एक मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ जो है वो अब हालात काफ़ी बेहतर हैं, टूरिज़्म काफ़ी प्रमोट हो रहा है और जिस तरह टूरिज़्म डिपार्टमेंट टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है इन एरियाज़ के अंदर जहाँ माजी के अंदर शायद पोटेंशियल होने के बावजूद कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका, तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे हम डेजर्ट सफारी का भी इनेकाद कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जहाँ पर ये चोलिस्तान और ये थल के जो खूबसूरत रेगिस्तान है वहाँ पर इंशाल्लाह टूरिस्ट फैसिलिटीज़ भी होंगी, वहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे, फॉरन से भी आएंगे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आएंगे और डोमेस्टिक टूरिज़्म भी बूस्ट अप होगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत खुशी हुई साउथ पंजाब में ये देख के कि इतना बड़ा हमने इवेंट मुनक़िद कराया और नॉर्मली पाकिस्तान का जो अनफॉर्चुनेटली इमेज दुनिया भर में जा रहा है वो बड़ा नेगेटिव इमेज है, लेकिन यहाँ पे ये एक्टिविटी देख के आपको नहीं लगता है कि आप साउथ पंजाब में हैं। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इटसेल्फ इस तरह के और इवेंट कराने के लिए डिटरमिन्ड है और स्पेशली जो नेगलेक्टेड एरियाज़ हैं साउथ पंजाब के, यहाँ हम मुख्तलिफ मजीद इवेंट्स कराएंगे ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में शामिल हुए और शामिल होंगे। और आज खुसूसन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि ख्वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने इस इवेंट में शिरकत किया, ये हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग बात है और ख्वातीन से स्पेशलाइज इवेंट मजीद हम इंशाल्लाह मुनक़िद कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए आज का इवेंट बहुत ज़्यादा मानी हेज और सनसनी हेज भी साबित हुआ है और उसके साथ खुशी इस बात की है कि हम एक ऐसे इलाके में एक इतना अच्छा इवेंट कराने में कामयाब हुए हैं जहाँ इस किस्म के मौके बहुत कम हैं। मैं इस मौके पर अपनी टीम TDCP की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने आराम को त्यागा और इस इवेंट को कामयाब किया। उसी के साथ ज़िले इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्मी, इन सब का तआवुन हमारे साथ रहा और सबसे बढ़कर जो हमारे सेक्टरी साहब हैं कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब और हमारे एडवाइज़र ऑन टूरिज़्म आसिफ महमूद साहब तमाम चीज़ों का हिस्सा भी बने हैं और उन्होंने आकर इख्तितामी तकरीब को चार चांद भी लगाए हैं। सो एक दफ़ा फिर सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह अगले साल मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मूसा ज़ादा, डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़रगढ़, आपसे मुहातब हूँ। 6 जीप रैली आज अपने पूरे जोश के साथ और अहतमाम के साथ इख्तिताम को पहुंची है। आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी थी, बड़े 4 दिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसेस हुई हैं यहाँ पे थल के एरिया में। एक चीज़ जो सबसे अच्छी इस दफ़ा हुई है कि हमारी फ़ीमेल रेसेस ने इस दफ़ा थल जीप रैली में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक इनक्रेजिंग चीज़ है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेंड को और से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा हमारी थल जीप रैली में। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी कि हमारे इस थल के एरिया में इस रेस को जितना इसका एरिया जो है वो वसी किया जा सके, बखर, मियाँ वाली और जंग तक भी इसे ले कर जाया जाए तो हमारे वसेब के लिए अच्छा होगा। आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ TDCP का, एडवाइस साहब का, CM पंजाब का, जिन्होंने हमें सपोर्ट दी और इस तरह हम एक सक्सेसफुल इवेंट कराने कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।